अब आप सोचो, अगर एक एक इमेज है, अगर ये इमेज है, इस इमेज के अंदर हम ऑलरेडी कि 1000 बाई 1000 अगर पिक्सल्स हैं, इसके इसका मतलब है कि 1 मिलियन पिक्सल्स हैं इसके अंदर, है ना, 10 to the power 6, 1 मिलियन पिक्सल्स, मतलब 3 मिलियन वैल्यूज हैं, 3 मिलियन वैल्यूज हैं, 3 मिलियन वैल्यूज जो कि 0 से लेके 255 के बीच में हैं। आ रहे समझ में? आगे बढ़े। अगर मुझे 1 करोड़ इमेजेस ऐसी प्रोसेस करनी है, इसका मतलब है इनपुट में कितने न्यूरॉन चाहिए होंगे आपको किसी न्यूरल नेटवर्क से पास करने के लिए? बोलो। 3 मिलियन। और 3 मिलियन इनपुट न्यूरॉन का मतलब समझते हैं आप, हमारे पास 300 मिलियन न्यूरॉन्स थे, याद है क्या, दिमाग में 3 मिलियन न्यूरॉन्स अगर इनपुट में दे दी, इतना बड़ा लोड आएगा सिस्टम पे कि सिस्टम उठ ही नहीं पाएगा, क्लाउड भी नहीं उठ पाएगा, सोचो। इस चीज से बचने के लिए क्या करें? एज था, एज वाला इंफॉर्मेशन था, अगर एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन को हटा दें तो इस इंफॉर्मेशन को अगर आप बात करो कि केवल 10,000 वैल्यूज हैं, यानी कि 3 मिलियन में से केवल 10,000 वैल्यू हमारे लिए इंपॉर्टेंट थी, 10,000 इंपॉर्टेंट वैल्यूज का मतलब है कि जो 3 मिलियन इनपुट न्यूरॉन्स थे उनकी जगह पे 10,000 इनपुट न्यूरॉन होंगे, फिर भी कम हुए, लेकिन 10,000 न्यूरॉन्स भी बहुत ज्यादा होते हैं। 10,000 न्यूरॉन्स एक इमेज के हैं, ऐसे अगर अगर 1 करोड़ इमेजेस के, 1 CR इमेजेस के 10-10 हजार न्यूरॉन्स वैल्यूज या 10-10 हजार पिक्सल वैल्यूज आने लग गई, तो हमारा ये पूरा सिस्टम ट्रेन होने में, इनका कुछ मीनिंग निकलने में बहुत टाइम निकल जाएगा। इससे बचने के लिए क्या करते हैं, टेंसर फ्लो ने क्या किया, देखते रहना एक बार। अगर आप सिक्वेंशियल प्रोग्रामिंग करते हो, स्ट्रक्चरल प्रोग्रामिंग करते हो, तो कैसे काम करती है वो, पहली लाइन, दूसरी लाइन, तीसरी लाइन, चौथी लाइन, पांचवी लाइन, है ना, ऐसे। अगर सपोज मैं आपसे पूछूं, एक फॉर्मूला है सी इज इक्वल टू ए प्लस बी, दूसरा फॉर्मूला है सी इज इक्वल टू ए माइनस बी, वैसे ही सी इज इक्वल टू ए इंटू बी एंड सी इज इक्वल टू ए बाई बी, ये 4 फॉर्मूलाज हैं। अगर आप कैसे भी प्रोग्रामिंग करोगे, अभी तक आपकी जो दिमाग में प्रोग्रामिंग होगी वो कुछ इस तरह की होगी, पहले ही वाली इंस्ट्रक्शन लिख दो, उसके बाद ये लिख दो, उसके बाद ये लिख दो, उसके बाद ये लिख दो, राइट? तो चारों इंस्ट्रक्शन को अगर आप लिखोगे तो कंपाइलर को या इंटरप्रेटर को एग्जीक्यूट करने में 4 अलग अलग टाइम लगेंगे, एक टाइम पे वो एक ही काम कर रहा होगा। अगर मैं चाहता हूँ कि चारों का रिजल्ट एक साथ आ जाए, आप चाहते हो कि चारों का रिजल्ट एक साथ आ जाए, कैसे आए, कैसे आए, मैंने 4 बॉक्स बनाए, है ना, एक ये इनपुट बॉक्स है, इनपुट बॉक्स में ए बी की वैल्यू आ रही है, ये ऐसे मान लेते हैं, ये एक इनपुट बॉक्स है ए, यह है इनपुट बॉक्स बी, राइट? फिर उसके बाद एक, दो, तीन, 4, राइट? अगर आप ऐसे कुछ कनेक्ट करो, ए को इससे, इससे भी, इससे भी, इससे भी, वैसे इसको इससे भी, इससे भी, इससे भी, इससे भी, तो आपको कितना टाइम लगेगा? एक मशीन साइकिल लगेगी यहां और एक मशीन साइकिल लगेगी यहां, 2 मशीन साइकिल में आपका काम खत्म, अगर लेयर वाइज चलोगे। इसको बोलते हैं पैरेलल कंप्यूटिंग, इसको बोलते हैं पैरेलल कंप्यूटिंग। तो अगर मैं यस सर, आपकी, ये आपका जीपीयू है ना, जीपीयू है, जीपीयू इज, बोलो बोलो, जीपीयू इज ग्राफिकल प्रोसेसिंग यूनिट, है ना। तो जीपीयू क्या होता है, ऐसे मान के चलो ये ग्राफिकल प्रोसेसिंग यूनिट है, इसमें ये एक सीपीयू है, ये आपका सीपीयू है, कोर सीपीयू, इसकी एक फ्रीक्वेंसी है, इसकी काम करने की कैपेसिटी है 1.2 GHz, राइट? सो ऐसे ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे आपके, एक 1.2 GHz का कोई कोई फायदा ही नहीं था, ये तो मल्टी प्रोसेसिंग यूनिट था। तो जीपीयू क्या करता है, छोटी छोटी यूनिट्स को, बहुत सारी यूनिट्स को ग्राफ में, यानी एक पर्टिकुलर पैच में बना के रख देता है। अगर इस जीपीयू को हमने बोला, इस जीपीयू को हमने बोला 1 GB जीपीयू, है ना, 1 GB, तो 1 GB 100% है ये, मतलब इस 1 GB को छोटे छोटे पैचेस में डिवाइड कर दिया, यानी कि एक डेडिकेटेड ये वाला जो, ये वाली जो सर्विस होगी वो इस पर्टिकुलर यूनिट को चली जाएगी, अगली वाली
पर्टिकुलर इस यूनिट को चली जाएगी, अगली वाली इस पर्टिकुलर यूनिट को चली जाएगी। तो आप समझ रहे हैं इंडिविजुअल इन पर्टिकुलर यूनिट्स ने काम करना स्टार्ट किया। आ रहा है समझ में मैं क्या बोल रहा हूं? तो जो फिजिकली एक सिंगल पर्सन स्मार्ट पर्सन 100 काम कर रहा था, और एक तरफ चाहे थोड़े से कम स्मार्ट हो और 1000 लोग काम कर रहे थे, 1000 अलग अलग काम कर रहे थे, हो सकता है कि एक इंसान सभी चीजों में स्मार्ट ना हो, सब कामों के लिए यू नो सही ना हो, लेकिन ये सारी सर्विसेज कर रहा था और ये डेडिकेटेडली एक 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 अपनी अपनी सर्विस को कर रहे थे। तो इसलिए जीपीयू फास्ट है, क्योंकि जीपीयू अपने अपने काम में माहिर वाले लोगों को ही काम देता है। जो सीपीयू हैं उनकी काफी सारी छोटे छोटे डिस्ट्रीब्यूशन, उनका एक पैच जिसको वो डेडिकेटेड टास्क अलॉट कर सकता है। तो टेंसरफ्लो क्या करता है, अब मेरी बातों को समझना है ना, टेंसरफ्लो क्या करता है, टेंसरफ्लो एक टास्क को चाहे वो सीपीयू के ऊपर कर रहा हो चाहे वो जीपीयू के ऊपर कर रहा हो, पहले वो चेक करता है कि आपके सिस्टम में सीपीयू है कि जीपीयू है। पहली बात, अगर वो सीपीयू पे काम कर रहा होता है तो एक वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट करता है खुद पे खुद, और उन वर्चुअल एनवायरनमेंट में मल्टीपल सर्विस बना देता है, यानी कि सीपीयू के अंदर ही लोड देता है एक इंसान को, इतनी बार काम करवाता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे मेन टास्क तो 4 हैं, है ना, ये 4 टास्क हैं, एक ही सीपीयू है, तो कैसे करेगा सीपीयू? तो ये क्या करता है, ये स्मार्ट तरीका बनाता है टेंसरफ्लो कि मेरी 4 जो टास्क हैं, है ना, मेरी जो 4 टास्क हैं, अगर बना लेता हूं, इन चारों टास्क को आप पहले इसको करो थोड़ा सा, फिर इसको करो थोड़ा सा, फिर इसको करो थोड़ा सा, फिर इसको करो थोड़ा सा, यानी कि अगर आप देखोगे इनडायरेक्टली काम तो एक एक करके ही हो रहा होगा सीपीयू पे, लेकिन इस टेंसरफ्लो ने क्या किया, एक साथ इसको कंप्लीट होने के लिए नहीं बोला, एक साथ इसको कंप्लीट होने के लिए नहीं बोला, एक साथ इसको कंप्लीट होने के लिए नहीं बोला। इसी वजह से जब ये सीपीयू थोड़ा थोड़ा काम इसका 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 चारों टास्क का कर रहा होगा, तो हमें क्या लगेगा, जो लास्ट में रिजल्ट निकल के आएगा, चारों के चारों रिजल्ट एक साथ निकल के आएगा। तो जैसे मान के चलो एक इंसान 5 प्रोजेक्ट पे काम कर रहा था और पांचों के पांचों प्रोजेक्ट एक साथ कंप्लीट हो गए, तो हमें क्या लगेगा कि 5 प्रोजेक्ट एक साथ कंप्लीट हुए हैं, वो मल्टी प्रोसेसिंग सिस्टम है। यानी कि मैं एज सौरभ अगर 5 काम एक साथ कर रहा हूँ, मैं क्लास भी ले रहा हूँ, मैं प्रोजेक्ट भी बना रहा हूँ, मैं ट्रैवल भी कर रहा हूँ, है ना, मैं ऑफिस में और भी छोटे मोटे काम कर रहा हूँ, है ना, अगर मैं 5 काम कर रहा हूँ, लोग मुझे देख रहे हैं और पांचों के पांचों काम एक साथ कंप्लीट होते हैं, तो आप लोगों को लगेगा यार शिट, ये कैसे काम कर रहा है, दूसरा इंसान ऐसे कैसे काम कर लेता है, ये मल्टीपल काम कर लेता है एक साथ, ऐसा पॉसिबल नहीं है। वो क्या करता है, थोड़ा 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 सब कुछ करता रहता है, उसकी मास्टरी है उस थोड़े थोड़े करने में, किसी की मास्टरी होती है एक काम को पहले निपटाने में, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आपकी जैसे मास्टरी है वैसे ही काम करो। कभी कभी ऐसा होगा कि आपको 5 काम एक साथ करने पड़ेंगे, तो पहले या तो मास्टरी बनाओ अपने अंदर, नहीं है तो मत करो उस तरह काम को। लेट अस हैव द कंक्लूजन कि ये टेंसरफ्लो क्या करता है, मल्टीपल सर्विसेज को एक साथ रन करता है। अगर हम इसकी छोटी छोटी सर्विस पे ध्यान ना दें तो अल्टीमेटली फाइनल आपको क्या मिलेगा आउटकम, कि आप अगर 10 सर्विस देते हो, ए बी सी डी ऐसी बहुत सारी आपने इनपुट दी, तो टेंसरफ्लो एक लाइब्रेरी है जो गूगल ने बनाई है, गूगल ने लाइब्रेरी बनाई है, और इसका बेस ये टेंसरफ्लो जो बना है वो नंपाई की हेल्प से बना है। नंपाई मतलब न्यूमेरिकल पाइथन, NumPy, और NumPy खुद बना हुआ है सी और सी प्लस प्लस पे, सी और सी प्लस प्लस पे। इसका मतलब है कि एक सी सी प्लस प्लस पे रिटर्न मतलब लिखी जाने वाली एक ऐसी लाइब्रेरी है जो NumPy के ऊपर कुछ स्पेशल फंक्शन करती है। NumPy तो केवल न्यूमेरिकल कैलकुलेशन कर सकती है, बट न्यूमेरिकल कैलकुलेशन पैरेलल हो वो टेंसरफ्लो ने क्रिएट किया। तो गूगल ने क्या किया, गूगल ने C++ की जो लाइब्रेरी NumPy थी उसको बेस मान के उसके ऊपर कुछ स्पेशल एक्स्ट्रा दिमाग लगा के नए फंक्शन, नए यू नो फॉर्मूलाज बना के एक और नई लाइब्रेरी तैयार कर दी जिसका नाम है TensorFlow, जो पिछले 6 सालों में अभी नंबर 1 बन चुकी है डीप लर्निंग के अंदर, क्योंकि डीप लर्निंग के अंदर बहुत फॉर्मूलाज चाहिए और बहुत सारा डेटा यू नो काम में आता है। इतने बड़े डेटा के ऊपर काम करने में, डेटा किस तरह काम में आता है, इस पूरी डीप लर्निंग को, इस पूरी मशीन लर्निंग को डीप में जाके, अभी तो मैं फुल्ली सपोर्टेड है पाइथन के अंदर,
100% सपोर्टेड है पाइथन के अंदर। तो टेंसर फ्लो आजकल पाइथन से भी है सपोर्टेड, सी प्लस प्लस से भी है, और दोनों जो लैंग्वेजेस हैं वो सबसे वाइड लेवल पे यूज होने वाली लाइब्रेरीज हैं। आजकल जावास्क्रिप्ट में भी आ गया है। जावास्क्रिप्ट का मतलब है कि आप डायरेक्टली कोई डेटाबेस पे अपनी डेटाबेस बोले तो जो वेबसाइट के डेटाबेसेस होते हैं बैकएंड होते हैं उन पे भी अपनी टेंसर फ्लो को अप्लाई कर सकते हो। तो टेंसर फ्लो इज अ लाइब्रेरी विच वर्क्स ऑन नंपाई टू हैंडल डेटा ऑफ डिफरेंट काइंड। अगर आपके पास डेटा यानी कि वेरिएबल्स थे कुछ, ए वेरिएबल बी वेरिएबल मैट्रिक्स थे ये सब कुछ, इनके अंदर बहुत सारा डेटा था है ना, डी ई ऐसे आपके पास बहुत सारा डेटा था, मतलब मिलियंस ऑफ मिलियन वैल्यूज थी। इन वैल्यूज को आपको कैसे प्रोसेस करना चाहिए था, उसने एक लेयर बाय लेयर मैकेनिज्म बना दिया, लेयर बाय लेयर मैकेनिज्म बना दिया कि आप पहले ए वाला काम करो, पहले इनपुट लो, फिर उसके बाद उसके ऑपरेशन करो, सपोज ए प्लस बी, फिर आपने दूसरा ऑपरेशन किया बी प्लस सी प्लस डी, फिर आपने एक और ऑपरेशन किया राइट, जितने भी ऑपरेशन हैं वो सारे एक साथ हो रहे हैं है ना, ऐसे आपने यहाँ चले गए, ऐसे मल्टीपल ऑपरेशन हो रहे हैं राइट, बट आप देखो कि तीनों के तीनों एक ऑपरेशन एक साथ हो गए। तो पैरेलल कंप्यूटिंग करने के लिए सीरियल इंटरफेस पे सीपीयू पे दुनिया की सबसे ज्यादा यूज होने वाली डीप लर्निंग के अंदर सबसे फास्टेस्ट रिजल्ट देने वाली टेंसर फ्लो एक लाइब्रेरी है पाइथन की। एक और लाइब्रेरी बनाई टेंसर फ्लो को यूज करके, एक और लाइब्रेरी बनाई दूसरी कंपनीज ने, उसने बोला कि भैया ये लाइब्रेरी मैं बोल देता हूँ है ना, ये लाइब्रेरी जो टेंसर फ्लो को यूज की हुई है या टेंसर फ्लो को यूज करती है दैट इज केरास। तो केरास डेडिकेटेडली इमेजेस के ऊपर काम करने के लिए बना दी, कोई इशू? इमेजेस के ऊपर काम करने के लिए चाहे ऑब्जेक्ट रिकग्निशन हो, डिटेक्शन हो, जितने भी इमेज से रिलेटेड ऑपरेशन होंगे उनके लिए केरास बना दी, और स्पेसिफिकली ऑब्जेक्ट डिटेक्शन के लिए। बढ़े आगे, जैसे ऑब्जेक्ट में मास्क भी हो सकता है, यानी कि आज जो हम लोगों को काम करना है वो दो चीजों पे बेस्ड है, टेंसर फ्लो और केरास। तो अगर हम मार्केट में बात करें डीप लर्निंग में सबसे ज्यादा यूज होने वाले प्लेटफॉर्म की, सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म इज टेंसर फ्लो, सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म इज टेंसर फ्लो, फिर उसके बाद पाइटॉर्च, फिर उसके बाद केरास, फिर उसके बाद थियनो, फिर उसके बाद कैफे, उसके बाद दुनिया भर के मॉडल्स हैं, उसके बाद दुनिया भर के मॉडल्स हैं है ना। तो अगर मैं परसेंटेज की बात करूँ मार्केट परसेंटेज कि कौन कितना कवर करता है, टेंसर फ्लो कवर करता है लगभग 38-40%, 38-40%, पाइटॉर्च करता है लगभग 26%, केरास करता है लगभग 18-20%, यू नो थियनो करता है लगभग 12-15% राइट, उसके बाद कैफे करता है लगभग 5-6%, बाकी ये सब आते हैं 8-10% में। आ रहा है समझ में क्या बोल रहा हूँ? तो सबसे ज्यादा लोग जो रसबेरी पाई का यू नो कंप्यूटर्स वेबसाइट मशीन लर्निंग या फेस रिकॉग्निशन या मोबाइल कंप्यूटिंग या वर्चुअल रियलिटी यू नो मे बी स्टॉक एक्सचेंज, जितने भी बड़े से बड़े प्रोजेक्ट के अंदर काम कर रहे हैं या डेटा के ऊपर लर्निंग की बात कर रहे हैं, मशीन लर्निंग एआई की बात कर रहे हैं, दे पीपल आर यूजिंग मोस्ट प्रोबेबली दैट इज टेंसर फ्लो है डीप लर्निंग की, जिसके अंदर अगर कोई मॉडल बना हो, मतलब अगर किसी ने कोई डीप लर्निंग को यूज करके कोई फाइल बनाई हो तो उस फाइल को पहले से पता है कि मास्क है या नहीं है, मास्क है या नहीं है किसी इमेज में, जो इमेज कैप्चर हुई है कैमरा से, तो कैमरा से इमेज लो उसको भेज दो इस मॉडल के पास, टेंसर फ्लो वाले मॉडल के पास, इस टेंसर फ्लो वाले मॉडल का नाम सपोज करो एक्स वाई जेड है, तो ये एक्स वाई जेड दो चीजें बताता है मुझे लग रहा है मेरे हिसाब से, मतलब ये बताता है ना, मैं इसकी लैंग्वेज बोल रहा हूँ, ये मॉडल बोलता है कि मेरे हिसाब से इस आई इमेज में एक पर्सन है और उस पर्सन ने मास्क नहीं पहना हुआ है, और मेरा कॉन्फिडेंस कहता है कि ये 30% ऐसा लग रहा है मुझे राइट, मास्क नहीं है, या 80% मुझे लग रहा है कि मास्क नहीं है, 90% मुझे लग रहा है कि मास्क है। तो ये जो परसेंटेज है ना, प्रिडिक्शन की परसेंटेज है, इसको बोलते हैं कॉन्फिडेंस। सो कॉन्फिडेंस कितना है कि कितने कॉन्फिडेंस के साथ में आप बोल रहे हो कि है या नहीं है, वो डिटेक्शन करने के लिए, उस तरह के डिटेक्शन करने के लिए अलग अलग तरह के मॉडल ऑलरेडी बने हुए हैं। तो मैं प्री डिफाइंड एक मॉडल यूज कर रहा हूं जो कैफे मॉडल है, कैफे मॉडल, काफी सारे मॉडल हैं
है ना, रेजनेट है, कैफे है, काफ़ी सारे मॉडल्स हैं, डीएनएन नेटवर्क्स हैं। तो डीप न्यूरल नेटवर्क का ऑलरेडी एक प्लेटफॉर्म बना हुआ है ना, डीएनएन नेटवर्क का, डीएनएन मतलब डीप न्यूरल नेटवर्क का एक ऑलरेडी प्लेटफॉर्म बना हुआ है CV2 पे। CV2 मतलब कंप्यूटर विजन लाइब्रेरी पे डीएनएन का एक नेटवर्क बना हुआ है। दोनों अगर ये नेटवर्क को आप यूज़ करोगे तो ये अलाउ करता है कैफे मॉडल को इम्पोर्ट करने के लिए। याद है कल हम लोगों ने क्या किया था, फेस डिटेक्शन FD इज इक्वल टू हार कास्केड क्लासीफायर, और उसके अंदर पाथ दिया था। यानी कि क्या है, CV2 का DNN एक नेटवर्क ऑलरेडी बना हुआ है, कमांड बनी हुई है कैफे मॉडल के लिए, CV2.DNN.ImportFromCafeModel, और इम्पोर्ट कैफे मॉडल ब्रैकेट, अब वो मॉडल जो कैफे मॉडल बना होगा, कैफे मॉडल किसमें बनाया ये वाला, इस मॉडल का नाम क्या था, XYZ। तो XYZ पड़ा होगा होगा हमारे पास कंप्यूटर के अंदर, या मैंने कहीं नेट से इसको डाउनलोड कर लिया। किस तरह से वो बना होगा मैं बताने वाला हूँ। तो वो मॉडल अगर मेरे पास XYZ है तो मैं उसको ब्रैकेट में पुट करूंगा इस कमांड के अंदर, और दैट पर्टिकुलर मॉडल विल बी इंपोर्टेड, लाइक यस्टरडे वी हैव इंपोर्टेड फेस डिटेक्शन मॉडल। और ये जो मॉडल बना था वो बना था टेंसर फ्लो में, राइट? तो टेंसर फ्लो की हेल्प से ये कैफे का मॉडल बना लिया गया। बड़े आगे, कैफे इज नथिंग बट अ पर्टिकुलर प्री डिफाइंड मॉडल कंडीशन, जिसके अंदर पता है कि इतने इनपुट न्यूरॉन्स होंगे, इतने यू नो आउटपुट न्यूरॉन्स होंगे, इतने हिडन लेयर्स होंगी। ये पहले से ही इस पर्टिकुलर कैफे मॉडल की प्री डिफाइंड कंडीशंस हैं, तो अपने को इस पे दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। ऐसे बहुत सारे मॉडल्स ऑलरेडी बने हुए हैं, इन लोगों ने पहले से बता रखा है कि हम लोग इतनी 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 कंडीशंस के ऊपर काम करते हैं फेस रिकॉग्निशन में।